दोस्तों, दिस इज उपेश सिंह और अभी मैं हूँ रवांडा की कैपिटल किगाली में मेरे क्लाइंट धीरज ठाकुर जी के साथ। हमने इनकी कंपनी ओपन कराई एवी ओवरसीज इंटरनेशनल रवांडा में, और अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट पे कुछ डोसा टाइप डिश खाने आए हुए हैं। और आपको बताते हैं, रवांडा बहुत प्यारी कंट्री है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, रवांडा को बोलते हैं 1000 माउंटेन्स की कंट्री। एक ऐसी प्यारी कंट्री जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न बहुत अच्छा है। और सबसे बेटर किसी चीज़ को समझने का तरीका क्या होता है, आप उनसे सुनिए जो पहली बार आए। तो बताइए धीरज जी, कैसा लगा रवांडा? मैंने इसे कल भी बताया था कि बहुत ही बढ़िया कंट्री है, और जो इसकी कैपिटल है किगाली, ये भी बहुत ही बढ़िया शहर है। पर ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं रवांडा में आया हूँ। अगर आपको उपेश जी थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे तो ऐसे लग रहा है कि शिमला या मसूरी में है। हम लोग इंडिया में ही है, रवांडा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है इंडिया ही है। दोस्तों, जैसा आपको धीरज जी ने बताया, रवांडा की सबसे बड़ी खूबी है सेफ्टी सिक्योरिटी। माउंटेन्स का कंट्री है, हिली नेशन है, बड़ा शानदार क्लाइमेट है, और आप लोग एक बहुत अच्छी लाइफ बिजनेस के साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो कभी भी आप अपनी नेक्स्ट बिजनेस डेस्टिनेशन चूज करें तो सेफ्टी सिक्योरिटी वाली कंट्रीज को चूज कीजिए। ऐसी कंट्रीज जो सेफ हो, सिक्योर हो, जहाँ आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम एक मॉल में हैं और यहाँ हमारा लंच करने के लिए आए हुए हैं। एज वेल आप पीछे देखिए, आप पार्किंग है। आपको रवांडा की सबसे बड़ी खूबी मिलेगी, आपको कोई भी पुरानी कार नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं। दोस्तों, रवांडा में सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक से मतलब आप एक 60 से ज्यादा की लिमिट में कार नहीं ड्राइव कर सकते, सेफ्टी सिक्योरिटी है, कैमरेज लगे हुए हैं। इसको इसीलिए बोलते हैं अफ्रीका का सिंगापुर, यानी एक ऐसी कंट्री जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, लोग वेल एजुकेटेड हैं, और आपको काम करने में मजा आता है। आपको फील ही नहीं होता कि आप अफ्रीका में है या यूरोप में। बताइए धीरज जी, आपका क्या रिव्यू है इसके बारे में, सेफ्टी सिक्योरिटी या जो भी ट्रैफिक सिस्टम है? सेफ्टी सिक्योरिटी तो काफी बढ़िया है, और जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है तो यहाँ पर सिटी लिमिट्स में आपको मैक्सिमम 60, और कुछ कुछ एरिया जहाँ हम लोग अब तक गए हैं वहाँ पर तो 40 के ऊपर भी आप गाड़ी नहीं चला सकते। इवन यहाँ के जो हाईवे है वहाँ पर भी स्पीड लिमिट 80 है, इंडिया के जैसे नहीं 120-140 चली। तो रोड के मामले में भी काफ़ी सिक्योर है, सेफ्टी है, और बाकी तो ओवरऑल सेफ्टी काफ़ी अच्छा है, इंडिया से भी अच्छा है जहाँ तक मुझे लगता है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है दोस्तों। रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं हम, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग क्लीन रखने में बहुत बिलीव करते हैं, हर घर में आपको गार्डन मिल जाएगा। और ये ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे बंदे को चाहिए, जो पैसा कमाते हुए अपनी फैमिली के साथ अगर अच्छे लेवल की लाइफ जीना चाहता है। क्लीनलीनेस के मामले में बताना चाहूंगा कि क्लीनलीनेस इतना है यहाँ पर आप रास्ते पर कोई रैपर या कुछ भी फेंक नहीं सकते। अभी मैं इन्होंने बताया तो मुझे याद है, दोपहर में एक चॉकलेट लिया था, उसका रैपर अभी तक मेरी जेब पे है, क्योंकि रोड पे नहीं फेंक सकते। अब हम यहाँ आए रेस्टोरेंट में तो हम यहाँ डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्लीन कंट्री है, लोग बहुत प्यारे हैं, हेल्पफुल है, नेचर बहुत अच्छा है, और हम आपको ऐसे बताते रहेंगे। अभी ये दरी है, हम आपको और बहुत सारी आगे अपडेट्स देंगे। देखिए, आप कभी भी अपने ओवरसीज एक्सपेंशन को देखें तो तीन चीज नोट करना जरूरी है। पहला सेफ्टी सिक्योरिटी, दूसरा 20 इयर्स का विजन, और तीसरा एक ऐसी कंट्री जहां आप अपने बिजनेस को मल्टीपल इनकम फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रवांडा एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप आइए, शुरू कीजिए, जो भी हेल्प चाहिए हम आपके साथ हैं। स्टे ट्यून्ड।